जय हिंद दोस्तों, कल हम ये होमवर्क दिए थे आपको, कहे थे कि इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, हम ही बता देते हैं, लेकिन बताने से पहले क्लास को लाइक कर दो यार प्लीज़, फिर बाद में आप लोग पढ़ते रहना। होता क्या है कि लास्ट में भूल जाते हो लाइक करना, तो क्लास को पहले ही लाइक कर दीजिए अगर देख रहे हैं तो। क्लास सॉरी, घन का आयतन इतना है। हम जानते हैं घन का आयतन होता है भुजाकियो बराबर 729, तो भुजा बराबर हो गया क्यूब रूट 729। भुजा बराबर क्यूब रूट मतलब तीन बार तोड़ो, और 729 को तोड़ सकते हैं 9 × 9 × 9, 3 बार 9 नज़र आ रहा है, तो 9 लिखो, डायरेक्ट लिखो मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा। घन की भुजा, एक और क्वेश्चन दिए थे उसको भी ज़रा मिला देते हैं। एक और क्वेश्चन क्या था, एक और क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन ये था कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में काटा जा सकता है। ये था, तो अगर छोटे घनों की संख्या चाहिए तो हम बोले थे कि पहले बड़े घन का आयतन अब बटा में छोटे घन का आयतन 12 × 12 × 12 नीचे 3 × 3 × 3 3 × 12, इसका आंसर हो जाएगा 64। ये दोनों हम होमवर्क दिए थे, कहे थे आंसर बताइएगा, आप लोग मिला लीजिए, नाम तो ज़रूर लेंगे किसी न किसी दिन हम। देखिए जब तक पार्ट 7 नहीं ख़त्म होता या पार्ट 6 नहीं ख़त्म होता, उसके बाद हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम एक ही दिन में 7-7 वीडियो बना लेते हैं। 7 क्लास एक ही दिन बना के अपने अपलोड कर दिया आधे आधे घंटे का, एक सप्ताह के टेंशन थी। अब आपको अगले सप्ते जो आंसर बताओगे अगले सप्ते हमको मिलेगा। आज का जो टाइप है वो क्वेश्चन नंबर 1, घन का क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, तो आयतन ज्ञात करो। देखो घन का क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है, आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही फॉर्मूला लगा दीजिए, 6 × भुजा स्क्वायर होता बराबर 1014, 6 से इसको काट दो, 6 × 6 यहाँ से बच गया 4, यहाँ से 41 हो गया, 6 × 6 = 36, फिर बच जाएगा इसमें से 5 और वहाँ 4 × 54, तो 6 × 9 = 54, यानी कि ए स्क्वायर बराबर हो गया 169, तो ए बराबर हो गया अंडर रूट 169। 169 का रूट हम लोग जानते हैं कि 13 होता है, तो डायरेक्ट 13 मीटर, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों? आंसर तो चाहिए घन का आयतन, तो लिखो घन के आयतन इधर और घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यों,
भुजा कितना? 13। 13 के क्यूब, 13 के क्यूब मतलब 13 गुने 13 तीन बार गुना कर दो। हालांकि दो बार जो गुना होगा वो तो मालूम है ही कि 169 है, सॉरी इसमें 13 गुना कर दीजिए, जितना आंसर आएगा आंसर लिख दीजिएगा। देखो बाबू गुना उना भी अगर नहीं आता है तो मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम तो गुना करने से रहे। इस बार नंबर फिर से बदल दे रहे हैं दूसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर दे दिए, तब देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला तो सब सेम ही रहेगा, यहाँ 600 हो गया, 6 से ही कट गया 100 बार में, तो ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर अंडर रूट 100, और 100 के रूट जानते हैं 10, यानी आयतन अगर बैठाना है तो ए क्यूब 10 के क्यूब, और 10 के क्यूब मैंने 10 गुने 10 गुने 10, और तीन बार गुना करना ही थोड़ा आसान है तो गुना कर देते हैं कि मीटर क्यूब हो गया आंसर। घन का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है, आयतन पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नंबर देना भूल गए ना। देखिए यहाँ 384, 6 से तो कट जाएगा, 6×36 और 6×24, तो ए स्क्वायर बराबर 64, इसलिए ए बराबर अंडर रूट 64, यानी ए बराबर 8। अब अगर ए बराबर 8 है तो यहाँ पे 8 रख दो, 8 के क्यूब, 8 के क्यूब मतलब 8×8, तीन बार गुना करो, 512 मीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 150 मीटर स्क्वायर और अभी भी आयतने चाहिए इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे 150, हालांकि 6 से ही कट जाएगा, 25×150, तो ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर अंडर रूट 25, 25 के रूट 5 मीटर होता है, 5 मीटर लिख दो। घन के आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब मतलब 5 के क्यूब, और 5 के क्यूब मतलब 5×5, तीन बार कर रहा है, 125 आयतन है, जाहिर से बात है मीटर क्यूब यही आंसर होगा, क्योंकि आयतन ही तो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 216 मीटर स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर
ये आपका होमवर्क रह गया, वीडियो को रोकिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। टाइप बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आठ सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन जोड़ा गया। दो घन जोड़ा गया तो बने चित्र से या बने चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, मान लेते हैं कि एक घन इसका किनारा 8 सेंटीमीटर है, फिर इसी तरह से एक और घन लाते हैं, और इसको भी जोड़ देते हैं। तो पहले इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर, लेकिन अब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लंबाई तो बढ़ गया, यानी अगर लंबाई की बात करें तो 16 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई तो खैर अभी भी वही रह गया, चौड़ाई तो खैर अभी भी वही जो था पहले, चौड़ाई अभी भी 8 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की अगर बात करें तो भी वही रह गया। देखो ध्यान से समझो, सिर्फ लंबाई बढ़ा, चौड़ाई तो उतने रह गया जितना था पहले 8, सिर्फ बढ़ गया लंबाई, ऊंचाई भी वही रह गया जो पहले से ऊंचाई था 8 सेंटीमीटर। यानी अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अब तो ये घनाभ हो गया, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + LH + BH, 2 × LB 16 × 8 प्लस 8 × 8 प्लस, एक बार रिटर्न चल जाओ, सोलह गुने आठ, 2 × 16 = 8, 28 है, 8 × 8 = 64, 16 × 8 = 28, 2 जोड़ना 8 × 8 = 16, 6 × 20 के जीरो हाथ में 2, 2 जोड़ दिए 4 इधर, 1 × 5 × 2 = 1, 2 × 3 = 320, इसको 2 से गुना कर दिए तो 640 m² आंसर हो जाएगा।
इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घंटे था, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर हटा दिए जाए और उस भुजा को ही चेंज कर दिया जाए। सपोज दैट 8 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसको चेंज कर दिए, सॉरी 7वां नंबर, और 8 सेंटीमीटर की बजाय हम बैठा देते हैं 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर इसका लंबाई था और इसका भी 4, तो अब जोड़ दिए 4 4 8 हो गया, लेकिन चौड़ाई अभी भी 4 रहेगा, ऊंचाई भी 4 रहेगा। बैठा दो 2 × LB, मतलब 8 को 4 से गुना करो, फिर 4 को 4 से गुना करो, इसको फिर रिटर्निंग यहाँ गुना करो, तो 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 8 से 4, 4 से 8, फिर 4 से 8, टू इंटू 8 × 32 प्लस 4 × 16, अच्छा ठीक 32, 2 × 32 और 32 64, 2 × 2 = 4, 4 × 6 = 10 के 0, हाथ में 1, तीन 1 × 4, 4 × 3 = 7, 7 × 1 = 8, गुना कर दो तो 80 × 2 = 160 मीटर स्क्वायर। पाँच सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन जोड़कर बने चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए पाँच पाँच तो लंबाई हो गया 10, चौड़ाई तो अभी भी 5 और ऊंचाई भी 5, बैठा 2 × LB, 10 × 5 फिर 5 × 5, फिर रिटर्न में चल जाना 10 × 5, फिर 5 × 5 प्लस यहाँ से फिर 5 × 5, फिर 2 × 10 = 50 और 5 × 5 = 25 और प्लस 5 × 5 = 25, ये 50 और ये भी 50, तो 50 और 50 कितना हो गया 100 × 2, 2 से गुना कर दो तो 200 मीटर स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। नौवां नंबर,
8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन जोड़ा गया तो बने चित्र का आयतन ज्ञात करें। इस बार आयतन ज्ञात करना है, 8 बना दे इसको, 8 8 तो लंबाई हो जाएगा 16, ये 8 अब 8 रहेगा। देखो आयतन निकालना है तो एक घन तो रहा नहीं, अब तो हो गया है घनाभ, और घनाभ के आयतन का सूत्र एल बी एच, एल माने 16, बी माने 8 और एच माने भी 8, 128 गुने में 8, 64 के 4 हाथ में 6। अर्धन 16 और 6, 22 के 2 हाथ में 2, 8 कम 8 और 2 10, यही होगा आयतन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाता है, होमवर्क क्या है? देखो कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला दो घन जोड़ा गया, इसका आयतन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।